So in question number 9, they are told you A, H, minus 6, B, 2, 3, C, minus 6 and K are the coordinates of the water axis of a triangle. Discuss centroid G, they are given you as 1 and 5. Correct? So we have to find the value of H and K. तो मैंने क्या दिया लिखा जो सेंट्रोइड का वैल्यू दिया 1 एंड 5 वो किसका रहता है x एंड y का वैल्यू रहता है तो मैंने लिखा लेट x एंड y बी 1 एंड 5 इन द सेम मैनर x1 y1 विल बी h एंड minus 6 x2 y2 विल बी 2 एंड 3 x3 y3 विल बी minus 6 एंड k इट इज लाइक दिस वे जो हम लोग को a b c का वैल्यू दिया उसको हम लोग ने a को x1 y1 पकड़ा b को x2 y2 पकड़ा C को x3 y3 पकड़े हम लोग ने लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C बी x3 एंड y3 सो यू ऑल नो द फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड इज इक्वल टू व्हाट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड है x एंड y x एंड y का वैल्यू है मेरे पास क्या है 1 एंड 5 तो यहां पे मैं लिखूंगा 1, 5 इज इक्वल टू अभी मैं देखूंगा x1 का वैल्यू क्या है h है h प्लस x2 का 2 प्लस x3 का माइनस 6 सो प्लस इनटू माइनस बिकम्स माइनस ओनली अपॉन आई कैन राइट हियर 3 वैसे y1 का वैल्यू है मेरे पास माइनस 6 है एंड y2 का वैल्यू है मेरे पास प्लस 3 एंड y3 का वैल्यू है मेरे पास k अपॉन 3 अब मैं क्या करूंगा जो x है x के साथ मैं रखूंगा और जो y का जो दिया हुआ है 5 मैं y के साथ रखूंगा सो आई राइट इट लाइक दिस वे देयरफॉर 1 इज इक्वल टू h प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 3 And here, phi is equal to minus 6 plus 3 plus k upon 3. Correct? अब यहाँ पे क्या होगा? 3 divide है. Left hand side में आने के बाद क्या होते हैं? Multiplication. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा. Therefore, 3 is equal to h. अभी plus 2 minus 6 plus minus minus. So I can write here minus 4. 2 minus 6 is what? Minus 4. अभी minus 4 equal to का left hand side में जाते हैं, तो क्या बनेगा? Plus. तो फिर मैं h का value आया, 3 plus 4 is equal to 7. Correct? यह हो गया मेरा h का value. So now, phi is equal to minus 6. Phi is equal to minus 6 plus 3 plus k upon 3 है. 3 नीचे है. Equal to का left hand side में जाएगा, तो क्या होगा? Multiplication. So मैं लिखूंगा यहाँ पे, 5 multiplied by 3, therefore 5 into 3 is equal to minus 6 plus 3 कितना होता है? Minus 3 plus k, correct? So 5 into 3 कितना हो गया? मैं 15 is equal to minus 3 plus k, therefore मेरा k का value होता है 15 minus 3 equal to का left hand side में जाएगा तो होएगा plus 3 is equal to 18. So we got the value of k as 18, h as 7. We can add on the final answer. The value of h is 7 and k is 18. So this is our completed question number 9. Now we'll see to next question. Question number 10.